उनका ब्लड प्रेशर शुरू में मैंने नापा तो 180 और 72 के बीच में था, फिर मैंने कुछ बातें की, रिलैक्स किया। होटवार जेल पहुंचते ही ये हो गई बेहोश। अभी मैं मौजूद हूँ पूजा सिंघल के आवास के बाहर और आप मेरे विजुअल के माध्यम से देखिए, ये पूजा सिंघल का ही आवास है। जी हाँ, आपने बहुत नाम सुना होगा ये पूजा सिंघल का, और जो होटवार जेल जा चुकी है, कल ईडी ने इन्हें होटवार जेल भेज दिया है और होटवार जेल पहुँचते ही ये हो गई बेहोश। होटवार जेल में ये रात भर इन्हें मच्छर काट रहा था, तो इनके लिए ऑल आउट का भी व्यवस्था किया गया और इनका स्वास्थ्य को देखते हुए शायद इन्हें रिम्स भी शिफ्ट किया जाए, शायद इनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। और अब ये होटवार जेल से ही ईडी कार्यालय पहुंची, 5 दिनों के रिमांड पर है और होटवार जेल से ईडी कार्यालय पहुंची। और क्या होना है आगे, आज क्या होना है, आज कितने घंटे की पूछताछ होनी है, ये खबर आते ही हम आपको आगे का खबर दिखाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और आपको ये भी बता दें कि रांची के बिरसा मुंडा जेल का मेन गेट खुलते ही आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो बेहोशी की हालत में आ गई। और जो जो भी प्रशासन थी वो उन्हें बगल के दवाई दुकान से दवा ला कर दी और तभी उन्हें महिला वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उनका ब्लड प्रेशर शुरू में मैंने नापा तो 180 और 72 के बीच में था, फिर मैंने कुछ बातें की, रिलैक्स किया। वहीं 5 दिनों के ईडी के पूछताछ के बाद 16 मई को पूजा सिंघल अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जुड़े रहे हमारे साथ पूजा सिंघल के हर एक अपडेट के लिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।